राजस्थान के चुनावी माहौल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 25 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने राजस्थान का रुख किया हुआ है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहलोत सरकार को घेरते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में नंबर वन बता दिया है। राजस्थान में आज किसी विकास के मुद्दे को लेकर नहीं, आर्थिक उन्नति को लेकर के नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के नहीं, यहाँ की आस्था को लेकर के नंबर एक पर राजस्थान नहीं, पर्यटन के मामले में नहीं, बल्कि राजस्थान आज के दिन पर भ्रष्टाचार में यहाँ की सरकार नंबर एक पर है, अराजकता गुंडागिरी में नंबर एक पर है, माफिया गिरी में नंबर एक पर है, महिला संबंधी अपराध में और साइबर संबंधी अपराध में नंबर एक पर है। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू आज यहाँ की प्रवृत्ति बन गई है। एक और जब भारत विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है, वैश्विक विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उन स्थितियों में राजस्थान उससे वंचित रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और इसी के लिए हम आए हैं आपके पास कि भारत ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब दुनिया पलक पावड़े बिछाकर के उनका स्वागत करती है, तो स्वागत 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है।